नमस्कार दोस्तों, डिफेंशियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी भूचाल किस तरह से गरमाया हुआ है ये तो आप सभी जानते ही हैं। और अब शहबाज शरीफ और इमरान खान एक दूसरे को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध होना तय है। और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, ये सारी खबर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में आया तूफान थम ही गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी इस आस में लगे हुए हैं कि उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। और इसके लिए वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और साथ ही जनता को नई सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। जी हां दोस्तों, इमरान खान इस वक्त देश में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें कहा कि अगर खान के कदम नहीं थमे तो वो उसे जेल में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एबटाबाद भाषण को पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग, संविधान और राष्ट्रीय संस्थाएं एक व्यक्ति के अहंकार के गुलाम नहीं है, और इमरान नियाजी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। और दोस्तों, इमरान नियाजी ने बहुत झूठ बोला, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इसके आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्थाओं के खिलाफ कहानी गढ़ने वाले मीर जाफर और मीर सादिक थे, और इनकी बात करते हुए उन्होंने खान की तुलना मीर जाफर और मीर सादिक से की। तो दोस्तों, बता दूं कि मीर सादिक मैसूर के टीपू सुल्तान के मंत्री थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान को धोखा दिया था। और दोस्तों, शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि इमरान खान उसी हाथ को काट रहे थे जिसने उन्हें खिलाया था। और एबटाबाद में रैली के दौरान इमरान के भाषण का जिक्र करते हुए शहबाज ने कहा कि आज पाकिस्तान की स्थिति संविधान और राष्ट्रीय संस्थानों को चुनौती दी गई है, इसलिए पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इमरान खान राजनीति में साजिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार और झूठ के आधार पर पाकिस्तान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि पहले इमरान नियाजी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डुबाने की साजिश रची और अब गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा और पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया तो भारत के पास भी एक स्वर्णिम अवसर आ जाएगा पीओके को वापस लेने का, क्योंकि भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि पीओके भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।